हेलो सब्सक्राइबर, स्वागत है आपका फिर से ट्रेड टिप्स चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हम लोग डेली फॉलो करते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटजी का बैकटेस्ट का डेटा आपके सामने रखा है और साथ में जो गलतियां आप करते हो, जो गलतियां मैं करता हूं, हमें ये गलतियां मंडे से मार्केट में नहीं करनी है। इसके लिए मैंने काफी मेहनत के बाद ये डेटा गैदर किया है और मैं आपके सामने जो है डेटा डिस्कस भी करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले हम लोग आएंगे ट्रेड टिप्स के इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और हमारी जो टीम है इस वीडियोस को पोस्ट करती है, इनके एफर्ट को आप अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो, उनके मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो अभी जाके वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट पे जरूर लिखिए कि लाइव ट्रेड। अगर आप यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे लाइव ट्रेड तो हमारे टीम को एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे नए नए स्ट्रेटजी से वीडियोज ट्रेड से वीडियोस डालने के लिए। तो प्लीज जाके हमें सपोर्ट कीजिए और देखिए कि क्या रिजल्ट्स हम लोग आपके लिए लाते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे के स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 9th of September को और 8th of September को स्पेशली काफी सब्सक्राइबर का जो है पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ और बाद में टारगेट हिट हुआ। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं रेंज कैलकुलेट करने के लिए स्केल ढूंढ रहा हूँ और स्केल मैंने यहाँ पे निकाल लिया और रेंज लगभग 81 पॉइंट्स के आसपास आती है यहाँ पे 9th September की। और यहाँ पे 8th और September की तारीख देखेंगे और रेंज देख लेंगे फिर से कितनी आती है। यहाँ पे देखिए रेंज आती है इसकी, लगभग आ रही है सेम 79 पॉइंट के आसपास रेंज आ रही है, ठीक है। मैं अभी एक्सेल की फाइल जो है वो ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सेल की फाइल आपके सामने ओपन है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एक्सेल की फाइल को और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी का ये डेटा है। 1st September से मैंने ये डेटा लिया है। आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिखता होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 September को रेंज थी 330, ठीक है। 2nd को थी 222, उसके बाद में 5 तारीख को थी 260, उसके बाद में 196 और 158, ठीक है। ये पांचों दिन हमने सिर्फ सिंगल ट्रेड ली और हमारा 2000 प्रॉफिट था वो बुक हुआ, ठीक है, पांचों दिन। लेकिन 8 और 9 को यहाँ पे हमारा जो है पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद में टारगेट हिट हुआ, मतलब हमने वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से जो है ट्रेडिंग की थी। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि डिफरेंस क्या आ रहा है। आपने यहाँ पे देखा भी होगा, मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट भी पॉइंट लिखे है, मार्केट की कंडीशन भी लिखी है कि मार्केट क्या था उस दिन, गैप डाउन था, फ्लैट था, गैप अप था और कौन से ऑप्शन में हमें प्रॉफिट मिला, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये मायने नहीं रखेगा, मायने ये रखेगा कि ये जो दिन है 8 September और 9 September को रेंज जो थी वो काफी कम थी, मतलब 80 पॉइंट की रेंज थी। आप अगर कंपेयर करोगे ये पिछले 5 दिनों से तो इसकी रेंज हाफ हो गई थी, ऑलमोस्ट हाफ। दोनों दिन सिचुएशन सेम थी, गैप अप हुआ था, गैप अप हुआ था, हमें लगा कि ये डाउन साइड चला जाएगा, हमने पुट में यहाँ पे पोजीशन बनाई, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाद में हमने कॉल में पोजीशन बनाई, हमारा टारगेट हिट हो गया। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो हुआ था 8 और 9 को। लेकिन आप अगर देखोगे कंपेयर टू 1 August से 30 August मैक्सिमम जो है रेंज जो होती है पहले 5 मिनट की कैंडल लगभग 150 से 200 पॉइंट से होती है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये जो दिन थे 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख 6 तारीख और 9 तारीख, इनमें रेंज का हमें कोई इश्यू नहीं आया था, इसलिए हमने एक ही ट्रेड लिया और एक ट्रेड के साथ में हमने जो है 2000 का प्रॉफिट बुक किया। लेकिन 8 तारीख को और 9 तारीख को हम लोग जाएंगे चार्ट में, ये देखिए मैं आ चुका हूँ चार्ट पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, 9 का डेटा यहाँ पे मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कहाँ पे हमने गलती की, ठीक है। ये आप जान लीजिए दोस्तों, ये गलतियां आपको मंडे से नहीं करना है, हमें 2 ट्रेड रखना है माइंड में। एक ट्रेड अगर हमारी फर्स्ट जाती है तो ही सेकंड ट्रेड लेंगे, अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो सेकंड ट्रेड में हम लोग नहीं जाएंगे, इतना याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पीछे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और 9:15 के कैंडल तक चला जाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा है स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं 9:15 के कैंडल पे। थोड़ा सा जो है मैं आपके लिए यहाँ पे चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है मार्क कर लेंगे रेंज को। ये देखिए रेंज को हमने मार्क किया, 80 पॉइंट्स की जो रेंज है, 40 पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं,
40 पॉइंट्स आएंगे लगभग यहाँ पे 40522 के आसपास या 521 के आसपास। 521 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये जो हमने रेंज कैलकुलेट कर ली, ये देखिए, ये पहली कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, ये बनने के बाद ये सिक्स्थ कैंडल अपसाइड बनी है, हमें लगा क्या अपसाइड ही ट्रेंड होने वाला है, तो हमने यहाँ पे कॉल लिया। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, ये आठवें कैंडल ने अपसाइड हमें क्लोज दी, हमने यहाँ पे कॉल लिया और यहाँ से हमारा टारगेट जो है अपसाइड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है 40 पॉइंट से टारगेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। तो हमें क्या करना है, ऐसे दिन मतलब कौन से दिन, यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्सेल में, ये देखिए, जिस दिन रेंज कम होगी, भले मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, हमें क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी में पोजिशन नहीं बनानी है। बाकी नॉर्मल डेज पे अगर आप देखोगे तो कोई बात नहीं, अगर हमने गलती भी की थी तो हमारा जो है टारगेट अचीव हो जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे जो है हमें शुरुआत में लॉस दिखता है लेकिन टारगेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 8 और 9 तारीख जैसा जो डेटा अगर हमको फिर से मार्केट में मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। उस टाइम के हम क्या करेंगे, हाई पॉइंट और लो पॉइंट भी मार्क करके रखेंगे। जो हाई पॉइंट आता है, देखिए यहाँ पे आ जाता है हाई पॉइंट, और यहाँ पे जो आता है लो पॉइंट, इसको भी मार्क करेंगे और देखेंगे कि रेंज के हिसाब से, क्योंकि रेंज ही काफी कमी है, अगर 100-150 पॉइंट की या 200 पॉइंट की रेंज होगी तो डेफिनेटली हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन रेंज कम होने से हम लोग को क्या होता है, वहां पे स्टॉप लॉस भी काफी कम आ जाता है और टारगेट जो है वो काफी लंबा पड़ जाता है। तो उस दिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड लेगा। अगर आप दो ट्रेड यहाँ पे लेने के रिस्क लेते हो तो कोई बात नहीं, दो ट्रेड ले सकते हो। पहले में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सेकंड में जरूर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ये एक ही दिन नहीं हुआ है, आप चाहो तो ये 9 का डेटा भी यहाँ पे देख सकते हो। मैं वापिस से यहाँ पे जो है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके पीछे जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर दिया। यहाँ पे पहले 5 मिनट का कैंडल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये कैंडल हो गई। मैं अभी यहाँ पे जो है इसका रेंज कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ से लगभग 81-80 ऐसा कुछ तो आया था, 83-84 आया था, 41 की रेंज यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, कितना है, 39,784, ठीक है, 39,784 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, अभी देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली, लेकिन हमने अगर यहाँ पे पी लिया तो यहाँ से थोड़ा बहुत इनिशियल हमें प्रॉफिट दिखा होगा। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखा होगा 20 पॉइंट से, या आप बोल सकते हो 25 पॉइंट से, लेकिन बाद में अपसाइड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे ट्रेड ली और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टारगेट अपसाइड जो है कंप्लीट हो गया। तो ऐसे दिन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अगर रेंज कम है डेफिनेटली हमारी ट्रेड फंस सकती है। अगर रेंज काफी बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करने वाले, लेकिन टारगेट कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा है। आप दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर हमें कम रेंज मिल जाती है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, या बोल सकते हो उस दिन हमारी ट्रेडिंग का हॉलीडे होने वाला है, ऐसा नहीं है। मैं आपको भी एक एग्जांपल बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं जो है बैक साइड आपको लेके चलता हूँ। अगस्त मंथ का होने वाला है वो 25th, हाँ यहाँ पे देखिए, मैंने जस्ट देखा था 25th को, देखिए रेंज कितनी थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25th को रेंज थी लगभग 89 या 88 के आसपास सेम, और हाफ वे रेंज यहाँ पे आती है 45 के आसपास। लेकिन यहाँ पे फिर भी रेंज कम होने के बाद, मार्केट गैप अप होने के बाद हमारा टारगेट कंप्लीट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 50% का जो लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इसको क्रॉस नहीं किया, इस लेवल से रिजेक्शन लिया, और जो 8 और 9 तारीख को हुआ यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो है 50% के लेवल को क्रॉस किया था, इसीलिए हमारा जो है फर्स्ट टाइम हमारा आप बोल सकते हो स्टॉप लॉस हिट हो गया, सेकंड टाइम हमारा टारगेट हिट हो गया। आप चाहो तो मैं अभी आपको 1-2 दिन पहले का डेटा भी आपको यहाँ पे देख सकते हो, 23rd का डेटा अगर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है लगभग 182, मतलब 90 का हाफ वे आने वाला है। सेम यहाँ पे देख सकते हो, हाफ वे पॉइंट से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया और यहाँ पे भी हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। तो मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, रेंज कम होती है तो उस दिन हमें क्या करना है, थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। अगर 50% के मार्क को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है तो ट्रेड लेने से पहले हमें 1-2 बार थोड़ा और चीजें जो है, जैसे पैटर्न से काफी है इसको भी कंफर्म करना पड़ता है, और अगर सेकंड बार हमें कंफर्मेशन मिलता है क्रॉसओवर का, उस टाइम हम लोग ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ये जो मैंने डेटा बनाया है आपके सामने, आपको समझ में आया करो कि कैसे आपको ट्रेड करना है,
कैसे आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है या आपको कितने ट्रेड्स लेना है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप नए हो, बिगिनर्स हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक एक लॉट के साथ शुरुआत कीजिए। अगर आप यहाँ पे डेली ट्रेड करते हो, आपके साथ आपके पास अच्छा खासा कैपिटल भी है, तो आप दो लॉट के साथ जा सकते हो। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा एक ही लॉट के साथ यहाँ पे आप ट्रेडिंग कीजिए। तो वीडियो को दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे मंडे को लाइव ट्रेड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।